जनपद हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राजकोटवाली इलाके के अमगांव मोड़ पर अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हुई है। ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी सीतू सेंगर जुड़ गए हैं हमीरपुर से। सीतू, कितने समय की यह घटना बताई जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरी घटना 6:15 के बीच की बताई जा रही है। दुष्यंत नाम का युवक अपनी बहन को आज सुबह गुटवारा गांव छोड़कर अपनी बहन को वापस मोटरसाइकिल से आ रहा था, तो वहीं पर उसी गांव का मदन नाम का एक युवक और उसके साथ गाड़ी में बैठ गए और रात की ओर आ रहे थे। जैसे ही रात की ओर अभिनव प्रज्ञा स्कूल के पास पहुंचे, यहां से एक अज्ञात टैक्सी, जिसका कि कोई पता नहीं चल पाए, उसकी टक्कर से ये वहां पर गिर पड़े और इन दुष्यंत जो युवक है उसकी मौके पे ही मौत हो गई। सीतू, बताया जा रही है कि किस गांव के पास की घटना है ये? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक विद्यालय डिग्री कॉलेज है, उसके सामने ये टक्कर हुई है। जी सीतू, बिल्कुल कहा जाएगा कि सड़क हादसे में युवक की यहाँ पर मौत हुई है। सीतू, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहाँ पर घटना की जानकारी क्या पुलिस प्रशासन को मिल गई है? नहीं, मैं आपको बता दूं, वहाँ पे एक राहगीर निकल रहा था, तो राहगीर ने खड़े होकर जैसे ही ये पूरा मामला देखा तो उसने तत्काल 112 नंबर को कॉल किया और 112 नंबर की गाड़ी तत्काल आई और उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रात लेके गई। और मैं धर्मेंद्र जी आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात, ये जो मृतक है दुष्यंत, इन्होंने की जो जिस तरह से सड़क सुरक्षा का नियम बताया जा रहा है, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। जी बिल्कुल है सत्येंद्र, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या घटना हो गई आज? घटना मदन और हमारे गांव में उस लड़की की सिस्टर बिहाई थी, तो दोनों लोग राठ आए हुए थे। किस गांव में बिहाई थी बहन? कुटपुरा गांव, थाना जरिया। जी, क्या हुआ बहन? तो यहां से जो लोग जा रहे थे वहां से डिग्गा आ रहा होगा, तो फिर तो डिग्गा से इनकी टक्कर हो गई। जैसे जी गिर गई थी तो हम थोड़े, हम गांव और वाहन से मोड़ है वहां थे हम, जैसे हमें पता चला जब तक तो वो डिग्गा वहां से निकल गए। डग्गा का नंबर डग्गा नहीं पकड़ पाए। तो ये कौन लोग हैं ये दोनों? ये मदन, जिसका पांव फ्रैक्चर हो गया, इसका नाम मदन है और सनम वीरपाल गुटवारा का निवासी है, और ये लड़का दूसरा जो एक्सपायर हो गया है।